सच सच बताऊँ तो मुझे इंट्यूशन आ गई थी एंड मोमेंट पे, एंड मुझे पता लग गया था कि भाई ये मनी लिखने वाली है, क्योंकि हेलो गाइस, हाँ आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करूँ, एंड ऑब्वियसली आई नो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया होगा मुझे, एंड आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप फिनाले देख चुके होंगे स्प्लिट्सविला का, एंड आई नो बहुत से लोग दुखी होंगे उस बात से, मैं भी बहुत दुखी था, एंड स्टिल मेरे को चीज़ें रियलाइज नहीं हो रही हैं बहुत सारी जो हुई हैं मेरे साथ, एंड आई एम स्टिल प्रोसेसिंग कि एक महीने की जर्नी में इतना सब कुछ हो चुका है। तो अभी मैं स्प्लिट्सविला के विला में हूँ, एंड ये देखो स्प्लिट्सविला का बोर्ड पीछे और वो है हमारा विला, विला दिखाता हूँ आराम से, बट पहले सोचा थोड़ी आप लोगों से बात कर लेता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग, रात के 3:30 बजे हुए हैं, सारे शूट्स वगैरह कंप्लीट किए हैं अभी, एंड अभी फोन्स वगैरह जस्ट हमें वापस मिले हैं, तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, आप लोगों के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ, क्योंकि अभी बहुत फ्रेश है मेरे माइंड में जो भी चीज़ें हुई हैं, एंड बाद में अगर मैं ये वीडियो बनाऊँगा शायद उसका उतना पॉइंट रहेगा नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया पिछले एक महीने में, आई एम स्टिल नॉट एबल टू प्रोसेस, और ऑनेस्टली आई डोंट नो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बहुत सारे इमोशंस हैं, दुखी हूँ, खुश हूँ, बहुत सी चीज़ों को लगे, एंड ऑब्वियसली आपने फिनाले में तो देखा होगा जो चीज़ें हुई, दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत सारे इमोशंस हैं इस टाइम पे। रात के 3:30 बजे तो मैं घर पे भी अभी बात नहीं कर पाया हूँ, बट आप लोगों के लिए पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो हाँ तो जर्नी स्टार्ट होती है मेरी एक्साइल में, लाइक मुझे जहाँ तक पता था कि मैं स्प्लिट्सविला में जा रहा हूँ, एंड मुझे नहीं जाना था एक्साइल। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे ऐसे कहीं अलग जगह पे डालने वाले हैं और स्प्लिट्सविला में नहीं जाने वाला हूँ मैं, तो डेफिनेटली मैं नहीं जाता, बट अब आपने जब जर्नी देख ली है तो थैंक गॉड कि मुझे पहले नहीं बताया गया कि मैं एक्साइल में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं फिर मना कर देता और मैं नहीं करता शो। बट जब फर्स्ट डे था एक्साइल में मैं था, एंड मैं ख़त्म हो चुका था, मैं बहुत टूट गया था उस टाइम अंदर से कि भाई मैं स्प्लिट्सविला में नहीं हूँ, मैं कुछ अलग ही शो में हूँ या कुछ अलग ही यहाँ पे सीन चल रहा है, एंड आई सॉरी गाइस, बट मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुका था उस टाइम पे कि यार मुझे स्प्लिट्सविला करना था, ये कहाँ डाल दिया है, मुझे नहीं करना है ये, मुझे स्प्लिट्सविला में ही जाना है। बट फाइनली आपने जर्नी देखी होगी, फिर मैं स्प्लिट्सविला में एंटर करता हूँ, बहुत डोम में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो ऊपर नीचे, मैं कुछ चैलेंजेस हार जाता हूँ कुछ लोगों की गलती की वजह से, लाइक आई गेव माय बेस्ट पर्सनली, एंड आप लोगों को पता है मैं तो जी जान डाल देता हूँ, मैं तो पूरी जी जान डाल देता हूँ कुछ भी करने में, बट एंड तक आते आते मेरी जर्नी बहुत ही अमेजिंग हुई थी, मैं सारे टास्क मैंने फाड़ के किए, सब कुछ किया मैंने, पूरी अपनी जान लगा दी, मेरा अपना कनेक्शन यानी कि उन्नति भी निकल गई थी उस टाइम भी, मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था अंदर से, फिर नायरा पिक्चर में आती है, एंड मैं फिर अपने आप को रिकलेक्ट करता हूँ कि कोई बात नहीं, उन्नति चली गई है, बट नायरा है मेरे साथ, उसके साथ मैं शो जीतूँगा, बट फिर एक और इंसान मेरी पिक्चर में ऐड होता है एक ट्विस्ट की वजह से, एंड फिनाले तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम मैं बहुत देर तक अपने आंसू कंट्रोल कर रहा था, एंड मेरे से सही में इस टाइम पे एक्सप्रेस भी नहीं हो पा रहा है, बट आई थॉट कि यार एक वीडियो तो आप लोगों के लिए बनती है, एंड स्प्लिट्सविला का पीछे बोर्ड लगा हुआ है, जो मेरा सपना था स्प्लिट्सविला जीतने का वो पूरा नहीं हो पाया, बट इट्स ओके गाइस, आई गेव माई बेस्ट एंड दैट्स वॉट मैटर्स। आप लोग भी ज़्यादा दुखी मत होना, आई नो बहुत से लोगों का दिल टूटा होगा, क्योंकि मेरे बहुत से चाहने वाले हैं जो चाहते थे कि मैं स्प्लिट्सविला जीतूं, बट इट्स फाइन, एंड रोडीज की तरह है अगेन मैंने आप लोगों का दिल जीता है, आई फील, अगर जीता है तो नीचे यार कमेंट्स में बता देना अपनी फीलिंग, शेयर कर देना कि भाई कैसा लगा पूरा शो में, एंड मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि भाई कितने पार्ट्स डलेंगे, क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा, बट ऑल दैट आई नो कि मैंने अपनी पूरी जी जान डाल दी इस एक महीने में, मैं बीमार हुआ बीच में 2 दिन, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा था, एंड एक दिन तो पूरा ऐसा था कि मैं अपने रूम से एक कदम रख के बाहर भी नहीं निकला, मैं इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, एंड जिस दिन मैं बीमार हुआ
उससे 5 दिन पहले से मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था, बट आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ कि भाई ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, दिग्विजय जितनी भी जान है सब लगा दे। बट एक पॉइंट आता है जब वो पूल वाला टास्क होता है, मैं इतना ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ कि मुझसे अपने बेड से उठा भी नहीं जाता, तो फिर मुझे 2 दिन बीच के स्किप करने पड़ते हैं। एंड जब वो 2 दिन स्किप मैं करता हूँ जर्नी के, तो 2 दिन जब मैं वो स्प्लिट्स लगा के स्किप करता हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि भाई यार ऐसे कैसे यार, देखो मुझे ये करने तो नहीं आया था। बट जब हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। बट इन द एंड ऑल दैट आई फील नाउ इज़ कि ठीक है यार, टाइटल नहीं जीता, कुछ चीज़ें हो गई, एंड आज ही मैंने अपनी सारी वीडियोज़ वगैरह कंप्लीट की। एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार, यहाँ पे आप घर वालों से बात नहीं कर पाते हो इतने टाइम में, एंड अब भी मैं घर वालों से बात नहीं कर पाया हूँ। लाइक रात के 3:30 बजे अब जाके फ़ोन मिला, अब मैं मम्मी को कहाँ ही फ़ोन करूँ और कहाँ उन्हें परेशान करूँ उठा के। तो आपको थोड़ा स्प्लिट्स वाला का अपना जो विला है वो दिखा देता हूँ। सब लोग बहुत बिजी हैं इस टाइम पे, सबको फ़ोन्स वगैरह मिल गए हैं, सब बात वगैरह कर रहे हैं अपने दोस्त वगैरह से जो जाग चुके हैं। एंड इस टाइम मेरा कोई ऐसा जोन नहीं है कि मैं किसी दोस्त वगैरह से बात करूँ, क्योंकि सब पूछेंगे कि भाई तू जीता या नहीं जीता, एंड पता नहीं मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि भाई मैं हारा नहीं हारा, मैं गेम में कैसे बाहर हुआ, मुझे कुछ नहीं पता इस टाइम पे। कि मैं अपने घर वालों को भी क्या जवाब दूंगा कि यार वो वेट कर रहे होंगे कि बताएगा दिग्विजय क्या हुआ जर्नी में क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका है स्प्लिट्स विल X5 में, मुझसे खुद प्रोसेस नहीं हो रहा है। एंड ये देखो, ये है हमारा ब्रिज जिससे हम एंट्री लेते थे, और ये है हमारा विला। इस वाले रूम में मैं रहता था मोस्टली लक्ष्य के साथ, और बाकी सब ये आप लोग देखेंगे, वहाँ नायरा है, शोभिका है, वो अनिका है, और अंदर रूम में वो है मेरी प्यारी उन्नति, फ़ोन पे लगी हुई है, फ़ोन मिला है जस्ट अभी। और ये है हमारा पूल जहाँ पे बहुत से टास्क वगैरह हुए, चैलेंजेस हुए, जो भी हो इन द एंड ये जगह बहुत ज़्यादा याद आने वाली है मुझे, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज बनाई हैं हमने। एंड यहाँ है हमारे इनसाइडर आमिर। क्या हाल है भाई आमिर? फुल पावर मेरी जान, बहुत अच्छा खेला है लड़के ने, जो सही एपिसोड आएगा बाहर एंड तक पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है सीन। ये एपिसोड जब एयर हो चुका होगा तब ये व्लॉग डलेगा, क्योंकि मैं एपिसोड का नाम दिया शायद फिनाले। तो फिनाले लोगों ने देख लिया होगा, एंड पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा उस टाइम लोगों का, बट मेरे को पता है कि जो मेरे चाहने वाले हैं वो तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। एंड पावर पावर हाय शोभिका, हाय दिग्विजय, हाउ आर यू, हाउ इज द फीलिंग, फोन मिल गया फाइनली वापस। तो शोभिका थोड़ा बताओ यार अपनी जर्नी के बारे में। इतना लो एंगल से क्यों ले रहा है तू? क्योंकि यहां लाइट आ रही है ना, ये देखिए लाइट कट हो रही है, हम नीचे उड़ाते हैं। शोभिका बहुत रोई अपनी जर्नी में, फाइनली खुशी से घर जाने वाली है, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कल मैं और दिग्विजय सेम फ्लाइट पे घर जाने वाले हैं, गेट टू बी विद दिग्विजय वन मोर डे। How are you feeling? बहुत ज़्यादा यार emotions, you know, overloaded हूँ इस time एकदम emotions से ना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या। Like phone मिल गया 3:30 बजे रात के, but अब घर पे phone करने का मन है, but obviously मम्मा सो रही होंगी तो अब वो परेशान करने का मन नहीं है, and समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बताऊँगा जाके मम्मी को कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चल रहा है मेरे दिमाग में। और तू मिस करने वाली है इस जगह को? बहुत ज़्यादा। सही बता। एक्चुअली बहुत ही अच्छी जगह थी टू बी रियली है ना, गला तो यार बहुत मतलब देख, मैं वहां बैठ के रोई। डेड करो, चुप कर यार, बदतमीज इंसान, इसको मैंने एक बार ही बोला मेरे साथ फ्लर्ट कर और फिर कर, हां करूं क्या, कर। हैव यू फॉलन फ्रॉम द स्काई? नो, व्हाई? बिकॉज़ यू लुक लाइक अ डेड क्रो टू मी। शोभिका मुझे लगा था एकदम स्टार्टिंग में ना एकदम ऐसे बैड एस टाइप होगी, पिच होगी, और इससे मैं पंगे वंगे लूंगा तो फिर देख के पंगे लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये बोलने बोलने में तेज होगी, लेकिन ये तो रोंदू निकली भाई। इसकी शक्ल सूरत पे मत जाना, इसकी वो बैड एस वाली लुक पे मत जाना, ये भोली सी। तो कहना चाहता है कि मैं बहुत स्वीट लड़की हूँ, थैंक यू। अरे तू इतनी समझदार कैसे है, सब कुछ गलत कैसे समझ लेती है? वो तो भेज देना। ये था, अरे राजकुमार भाई कैसे हो? बस जा रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। ये भाई हैं जो भाई हमें सारा टाइम हमारा जिन्होंने ख्याल रखा है, हमें
खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी, हम एक आवाज़ मारते थे राजकुमार दादा और ये हमें आके पानी देते थे, टैंग देते थे, ORS देते थे, एंड इन्होंने ही हमारा एकदम मम्मी की तरह ख्याल रखा है इस विला में। थैंक यू भाई। ऐसे ये है मेरा रूम, ये 102 नंबर, और ये इस टाइम इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि लास्ट डे है, पैकिंग वगैरह चल रही थी एंड फैन तो आज चल रहा है, लेकिन भाई यहाँ बहुत ठंड हो जाती थी, रात को फट जाती थी, एंड इसी बेड पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था, मेरी उठने की हालत नहीं थी। आमिर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप तो इनसाइडर हैं, लेकिन आपको शुभी कैसी लगती है? बहुत ही अच्छी कंटेस्टेंट है। बहुत ही अच्छी कंटेस्टेंट है, और आपको कैसे लगते हैं आमिर? यार इसी रीजन की वजह से शुभी ज्यादा बोल नहीं पाई यार, क्योंकि सेम तूने कॉपी मार दिया जो आमिर ने बोला। मैंने पूरे शो में कुछ कॉपी नहीं मारा है, मेरा पूरा कंटेंट ओरिजिनल है। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल था, वो तो सब जानते हैं, वो शेर भी जानता है, नकली शेर भी। दिल जीत गए सबका। सही बता क्या बात कर रही है? नहीं सच में ऑनेस्टली नकली शेर का दास्तान लोगों को समझ में आ जाएगा जब फिनाले आ जाएगी। किसको हम रिफर कर रहे हैं? था वो कम बोलता था बट बम बोलता था। हाँ वो तो हम असली शेर की नहीं नकली शेर की बात कर रहे थे। अरे 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 भाई भाई बार मारेगा तो नहीं भाई तुझे। एडी भाई अब तू बाहर मिलके भाई दो जो इंसान एडी का दिल जीत लेगा ना बस एडी उसके लिए आधी रात में हाजिर है ना। एक बार ओए सुन ओए ओए सुन नहीं पर लौंडे आई लग गया इससे मेरी पूरी देख रहे हो प्यार देख रहे हो इससे मेरी पूरी जर्नी लड़ाई हुई पर साला आखिरी दिन ले गया ये आखिरी दिन ये ले गया भाई कसम से मैंने तो कुछ किया भी नहीं भाई जो किया तेरे कनेक्शन अच्छा शिट अच्छा इसकी 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 और मेरी कहानी में एक चीज सिमिलर थी एक ही लड़की थी एक मिनट एक मिनट इसकी और मेरी कहानी में एक ही लड़की थी जिसने दोनों की गांड मारी भाई तेरा तो फिर ठीक है तेरा तो फिर ठीक था लेकिन जो मेरी मारी है भाई, भाई वो तो मैं तो बड़ी गलत मेरे को लगता है अगले 7 जन्म में भी नहीं भूलने वाला। अबे भाई मैं भी उस दिन अगर बाहर नहीं होता तो क्या पता मैं भी तेरे साथ फिनाले में होता और क्या पता तेरे साथ भी ऐसे ही कर देते। हां भाई कोई बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। ये रही टिकेला। हाय दिग्विजय। मैगी मिल गई। मैगी है क्या? लगी हुई है फोन पे। किससे बात कर रही है? मेरा फ्रेंड अल्फा के साथ। क्या अल्फा? अल्फा है? हाँ, इसका नाम ही अल्फा है। अल्फा को गाइस ऐड कर लो इंस्टाग्राम पे, सुंदर लग रही है मुझे काफी, ठीक है ना? गाइस अब मैं मिला था हूँ किससे? सबसे मेरे को मेरी इस... तो दिखा ना नहीं अच्छा हाँ। मेरी इस जर्नी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्यारे इंसान से हाँ। अगर वो बिजी ना हो मेरा तो सारी दिख रहा है फुल दिखा मेरा भी हाँ। अरे दिख रहा है यार दिख रही है निकला फुल फुटेज मिल रही है शो में फुटेज लेनी है फुटेज लेने आ गया तो क्या फेक करने लोगों को ज्यादा फुटेज मिलता है क्या क्या करने से ज्यादा फुटेज मिलता है जो फेक होता है ना उसको ज्यादा फुटेज मिलता है जबरदस्ती का झगड़ा मतलब तू कहना चाहती है मैं फेक हूं है तू तूने तो ज्यादा फुटेज नहीं लिया गया क्या हुआ अरे यार गाइस इस टाइम में जैसे इंसान से आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सो क्यूट बोल रहा है अभी देखो जरा देखो प्यार हो रही है बाल बाल सेट कर रही है और मना कर रही थी कि नहीं अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं फिर उन्नति आप क्या कहना चाहोगे अपनी इस जर्नी के बारे में है गाने बंद कर हाँ तो उन्नति आप क्या कहना चाहोगे आप अपनी पुरानी एक्साइल और स्प्लिट सुला की जर्नी के बारे में बस मुझे दिग्विजय मिल गया और उसे उन्नति मिल गई बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं और जो आपका सपना था कि दिग्विजय स्प्लिट सुला जीते उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे अभी तो मैं नहीं बता सकती बट हाँ नहीं, नहीं बता सकती है ये फिनाले के बाद आएगा जीत गया दिग्विजय जीत गया मेरे लिए दिग्विजय ही विनर है बहुत लोगों ने कोशिश की कि भाई उन्नति और दिग्विजय की लड़ाई करा दे बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि भाई उन्नति दिग्विजय पे ट्रस्ट करती है करती है तू सीरियस है ना मेरे लिए तू सही है ना बता दे एक बार वो अगर ये व्लॉग डलेगा तो पता लग जाएगा और तू सीरियस है कहीं क्लिप काटनी पड़ी मुझे जैसे कि बाकी सब लोग बोलते आए ये अच्छा चलो उन्नति एक बात बता दे क्लिप डलेगी या नहीं डलेगी डलेगी पक्का डलेगी फिनाले के बाद डालूंगा मैं उससे पहले तो डाल नहीं सकता तो तेरे 4 महीने मेरे साथ रहना पड़ेगा उसके लिए बस 4 महीने
नहीं, इस क्लिप के डलने के लिए 4 महीने. ठीक है. शर्म आ रही है ना? ज्यादा आ रही है क्या यार? देखो तो सही यार इसको. अरे अरे अरे, मैंने कुछ देखा अभी. क्या? तूने जो हाथ ऊपर किया. या गाइस, दिस इज अ रिंग जिसने मुझे दी थी. पर्सनल जो बातें थी वो अपनी हो नहीं पाई थोड़ी सी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कर लेता हूँ. मतलब अंदर से ऑब्वियसली यार दुखी हूँ, हर्ट हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि शो जीतना था एंड वो नहीं हो पाया. सच सच बताऊँ तो मुझे इंट्यूशन आ गई थी एंड मोमेंट पे, एंड मुझे पता लग गया था कि भाई ये मनी लिखने वाली है. क्योंकि जब कल रात इसने बोला ना कि